हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में मैं एस के चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हैलोजन्स के ऑक्सो अम्ल। इससे पहले भी अपन ने ऑक्सो अम्ल पढ़े हैं, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पढ़े हैं, सल्फर के ऑक्सो एसिड पढ़े हैं, और आज हम हेलोजन के ऑक्सो अम्ल पढ़ने वाले हैं। और हेलोजन्स के टोटल चार ऑक्सो अम्ल हैं, हाइपो हेलस अम्ल, हेलस अम्ल, हेलिक अम्ल और पर हेलिक अम्ल, या फिर इन सबको आप एक कॉमन नाम से जान सकते हैं, हेलिक अम्ल। और यहां पर जो भी हैलोजन के ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो लिख देते हैं अपन, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ये पहला है, मान लीजिए हाइपो हेलस अम्ल, इसमें आप एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका एक्स की ऑक्सीजन संख्या एक आएगी, तो एच ओ एक्स। इसका नाम आप या तो बोल सकते हैं हाइपो हेलस अम्ल, या इसको आप बोल सकते हैं हेलिक फर्स्ट अम्ल। यहां पर एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, लेकिन अगर एक्स की जगह फ्लोरीन हुआ तो -1 आएगा, क्योंकि फ्लोरीन का अपन जानते हैं कभी भी प्लस में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपने। इसी तरह से आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर सबके निकाल सकते हैं। तो पहला अपन ऑक्सो अम्ल पढ़ते हैं, हाइपो हेलस अम्ल एच ओ एक्स। जैसे इसके फॉर्मूले, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा तो +1 होगा, और फ्लोरीन हुआ तो -1 हो जाएगा। जैसे एच ओ एफ, एच ओ सी एल, एच ओ बी आर और एच ओ आई, ये चारों हेलोजन्स के हाइपो हेलस अम्ल। इनके नाम जैसे फ्लोरीन का है तो इसको हाइपो फ्लोरस अम्ल बोल देंगे, क्लोरीन का है तो हाइपो क्लोरस अम्ल हो जाएगा, हाइपो ब्रोमस, हाइपो आयोडस अम्ल हो जाएगा, या आप इनको बोल सकते हैं क्लोरिक फर्स्ट अम्ल, ब्रोमिक फर्स्ट अम्ल, हेलिक फर्स्ट अम्ल के नाम से भी आप इनको जान सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेलोजन पर एक ओ एच जुड़ा हुआ है तो सीधी सी स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, ये हेलोजन हुआ और इस पर एक क्या जुड़ा हुआ है, मात्र ओ एच। हेलोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में, उसमें से एक की साझेदारी हो गई, यानी 20 के पास में 3 लोन पेयर बचे हुए हैं। ये है हाइपो हेलस अम्ल की स्ट्रक्चर। तो पहला ऑक्सो एसिड कंप्लीट हुआ, दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है हेलस अम्ल एच ओ एक्स ओ, या फिर एच एक्स ओ टू भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। यहां पर फ्लोरीन जो है उसका तो केवल एक ही ऑक्सो अम्ल बनेगा, जो आपने पढ़ लिया एच ओ एफ, बाकी हैलोजनों के और भी बन सकते हैं, जैसे क्लोरीन के और भी बन सकते हैं, ब्रोमीन के, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तो उत्तेजित तो होकर के अपनी ऑक्सीजन संख्या को +7 तक बढ़ा सकते हैं, जबकि फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता है, आपने पहले भी पढ़ लिया। तो फ्लोरीन का तो केवल एक ही ऑक्सो अम्ल बनेगा एच ओ एफ, फ्लोरस फर्स्ट अम्ल, केवल एक ही बनता है, बाकी बनेंगे केवल क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के। और ये वाला जो ऑक्सो अम्ल है ये तो केवल क्लोरीन का ही बनता है, यानी इसका केवल एक ही एग्जाम्पल है HClO2, इसका केवल एक ही एग्जाम्पल है क्लोरस अम्ल, दैट्स ऑल। या फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्लोरीन का निकालेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, यानी आप इसको बोल सकते हैं हेलिक थर्ड अम्ल HClO2। संरचना क्या होगी, देखिए क्लोरीन पर एक ओ एच और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, बाकी के दो होंगे लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर होती है हेलस अम्ल की। दूसरा भी कंप्लीट हुआ हेलस अम्ल, इसका केवल एक ही एग्जाम्पल होता है। तीसरा हेलिक अम्ल और फिर पर हेलिक अम्ल, इसका एग्जाम्पल जैसे HClO3, HBrO3, HIO3, ठीक है। ऐसे पर हेलिक अम्ल के भी 3 एग्जाम्पल होंगे HClO4, HBrO4, HIO4। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, यहां पर जो हैलोजन है यानी क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन जो भी होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5, इनके ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे +7। स्ट्रक्चर बना देते हैं, देखिए एक्स एक ओ एच, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यह है हेलिक अम्ल की संरचना, एच एक्स ओ थ्री, 3 ऑक्सीजन। नेक्स्ट पर हेलिक अम्ल, इसमें एच एक्स ओ फोर, एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए आप, ये पर हेलिक अम्ल की स्ट्रक्चर हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो ही गया। तो ये है हेलोजेंस के कुछ ऑक्सो अम्ल। मोस्टली आपको ध्यान रखना है फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो अम्ल होता है, फ्लोरीन का एच ओ एफ, इसके बाद में फ्लोरीन का और ऑक्सो अम्ल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फ्लोरीन उत्तेजित नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जितने भी हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके ऑक्सो अम्लों में इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, फ्लोरीन
फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है, -1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युतीयता सर्वाधिक होती है, उसका कभी भी प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस में हो। तो ये है हेलोजनों के चार ऑक्सो, आज के वीडियो में बस यही अपने को पढ़ना था हेलोजनों के ऑक्सो अम्ल। तो चारों ऑक्सो अम्ल अपने स्टडी कर लिए, ऑक्सीडेशन नंबर और इनकी स्ट्रक्चर। आज के वीडियो में बस इतना ही, बिल्कुल वीडियो बिल्कुल से छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट है, छोटा सा टॉपिक है हेलोजन्स के ऑक्सो अम्ल। धन्यवाद, जय हिंद।